खाटू श्याम जी की कहानी। पूरे देश में खाटू गांव में एक बहुत ही पवित्र स्थान है, जहां पर काफी समय पहले एक गोपाल नामक युवक बस्ती में रहता था। उसकी आरामदायक और सुखद जिंदगी चल रही थी, लेकिन एक दिन एक भीषण रोग ने उसे प्राप्त किया। उसके जीवन में कष्ट और दैख की बौछार हो गई। उसने अपनी सभी दुआएं और इलाज की कोशिशें की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक रोज एक दिव्य आवाज उसके कानों में सुनाई दी, गोपाल तुम्हारा इलाज खाटू गांव के नाम से जाने जाने वाले यहां के मंदिर में है। तुम वहां जाओ और खाटू श्याम जी से प्रार्थना करो, तुम्हारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। गोपाल उस आवाज का पालन करते हुए खाटू गांव के मंदिर में चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां पूजा के समय खाटू श्याम जी की विशाल मूर्ति का आराधना हो रहा था। गोपाल ने अपनी आंखें बंद की और खाटू श्याम जी से आवाज में विनती की, अच्छे दाता कृपा कीजिए मेरे रोग को ठीक करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस पर खाटू श्याम जी की मूर्ति ने अचानक आंखें खोली और एक प्रकाशमय आवाज बोली, गोपाल तेरी सभी मुसीबतें खत्म हो गई है, तू अब स्वस्थ हो गया है, तेरे भक्ति और विश्वास ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जब गोपाल ने अपनी आंखें खोली तो उसे खुद को पूरी तरह स्वस्थ और ठीक पाया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह आपकी आराधना करने लगा और अपने जीवन में सुख और समृद्धि के लिए धन्यवाद देने लगा। इस घटना के बाद से खाटू श्याम जी का मंदिर उत्साह और श्रद्धा के साथ भक्तों से भर गया। लोग हर साल खाटू आए और खाटू श्याम जी की प्रार्थना करते हैं और उन्हें अपनी मनोकामनाएं पूरी होने का वादा करते हैं। खाटू श्याम जी भक्तों की मनोकामनाएं सदैव